नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जैसे आप लोग लोकेशन देखकर समझ ही गए होंगे कि हम आज कहाँ आ गए हैं, पर फिर भी जिनको नहीं समझ में आया है कि हम कहाँ हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आज हम आए हैं हनुमान दादा की नगरी में, जो है सारंगपुर, जो कि बोताड़ गुजरात में लोकेटेड है। आज हम इस व्लॉग के थ्रू आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे आना है, यहाँ रहने का इंतज़ाम क्या है, स्टेशन से यहाँ पे कैसे पहुँचना है, कितना किराया लगेगा, मंदिर की क्या विशेषता है और बाकी सब कुछ। तो हमारे साथ बने रहें, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये मंदिर पूरे देश में फेमस है अपने चमत्कार के लिए। यहाँ हर समाज प्रांत के भक्त आते हैं। जैसे कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जो आप सुनते हैं वो ये मंदिर में सच होता है। कोई भी बुरी बला शक्ति मंदिर के कैंपस के अंदर नहीं आ सकती, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बोलो हनुमान दादा की जय। तो दोस्तों, आज आइए हमारे नए व्लॉग में। अब आज हम जा रहे हैं सारंगपुर। तो सारंगपुर के लिए हमको वहाँ से पकड़नी है ट्रेन बोरीवली से। हमारी ट्रेन फिक्स है, हमारा रिजर्वेशन हो चुका है और स्लीपर क्लास डब्बे में। और बोरीवली से जाएंगे हम बोताड़ में से। फिर हमें लेना पड़ेगा एक रिक्शा है, या फिर प्राइवेट आप गाड़ी भी कर सकते हैं। और फिर हमें जाना पड़ेगा वहाँ से सारंगपुर वहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से आपको 30-30 रुपये में रिक्शा मिल जाती है। और फिर वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम जाएंगे स्वामीनारायण जी के मंदिर, जो है कुंडल में। जाने के लिए एक पर पर्सन आप रिक्शा मिल जाएगा आपको शेयरिंग बेस में, वो है 50-50 रुपये में। वहाँ शनिदेव जी का मंदिर भी है, वहाँ से दर्शन करके फिर हम वापस आ जाएंगे सारंगपुर से। फिर बोताड़ से हमारी ट्रेन वापस है, रात की ट्रेन वापस है। तो देखते हैं ये पूरा की पूरी यात्रा कैसे गुजरती है हमारे ये पूरे व्लॉग में, और किन किन कठिनाइयों का प्रॉब्लम लेना पड़ेगा हमें, हमारी ट्रेन से हम कैसे सफ़र करते हैं और उसमें हमको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारी ट्रेन तो बुक थी, तो हमें निकलना था, हमें पहुंचना था बोरीवली फटाफट। तो हमने फटाफट रिक्शा पकड़ लिया और हम पहुंच गए बोरीवली। अभी हम स्टेशन पे खड़े हैं। अब स्टेशन पे हम हमारे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारे सभी दोस्त भी आ गए हैं जो हमारे साथ ये यात्रा में हैं। कुछ लोगों का वेट भी कर रहे हैं, अराउंड 4 से 5 लोग हैं हम लोग, पर वो दिख नहीं रहे ना। हमारी ट्रेन आई है, बस अभी कुछ ही क्षण में या कुछ ही पल में हमारी ट्रेन आ जाएगी। और ये शायद हमारी ट्रेन आ गई है, देखिए हमारी ट्रेन आ गई है। अरे हाँ ठीक है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सारंगपुर दर्शन करने के लिए, हनुमान दादा के पास। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तो दोस्तों हम चढ़ गए हैं ट्रेन में, तो बोलो साचे दरबार की जय। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और अभी हम लोग बहुत थक गए हैं, हम लोग स्टेशन से थोड़ा बाहर निकला हूँ मैं, वापी पहुँचे हम लोग। ठीक है, 2-2.5 घंटा हो गया वापी में, थोड़ा देर रुका है, कुछ भूख लगी थी पर कुछ खाने को नहीं मिला। हमने सोचा अहमदाबाद में खाएंगे, और अभी आप देख सकते हो हम लोग अहमदाबाद भी स्टेशन आ गए हैं। अब अहमदाबाद आ गए हैं, रात को बहुत लेट हो गया है और बहुत भूख लग रही है, कुछ खाऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगा। तो दोस्तों हमने अभी अहमदाबाद स्टेशन पर वड़ा पाव लिया, चाय ली, सब कुछ बेस्ट था, सब कुछ प्रोपोर्शन में था, एक ही चीज की कमी होती उसमें स्वाद की। व्हाई दादा व्हाई, दिस इज बिजनेस। इसको मैंने बहुत मिस किया। इसमें भाई देखो ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, देखो इसमें नमक है, मिर्ची है, सब कुछ है, स्वाद नहीं है भाई। और स्वाद मेरे हिसाब से यहाँ आता भी नहीं होगा, क्योंकि जानबूझ के स्वाद नहीं डालते, क्योंकि आदमी को आदत ना पड़ जाए। कचरा खाने की आदत नहीं होना चाहिए इंसान को, मेरी बात मानो, आप कचरा खाने की आदत नहीं होना चाहिए। और ये आपको सही चीज़ दिखाते हैं, कच्चा मत खाओ। पर मैं खाऊँगा, क्योंकि आधी रात का टाइम है, मुझे भूख लग रहा है। आपका दोस्त आपको सही सलाह देगा, ट्रेन में सफ़र करना है तो घर से खाना लेगा। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं, अहमदाबाद स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े, कितना बड़ा स्टेशन है? बहुत खूबसूरत स्टेशन है, 15 मिनट से रुकी हुई है गाड़ी, लंबी सी कतार है, लोग अच्छे से सोए हैं, उनको ये ट्रेन की आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि उनको अच्छी नींद आ रही है, दवाई लेके सोए हैं, सब दवाई लेके सोए हैं। ये तो आपने बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया। क्या बोला आपने, दवाई लेके सोए? दवाई नहीं बोला, हवाई हवाई। अरे हवाई नहीं भाई, वो पहले जो आपने दवाई बोला ना वो तो रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, हवाई इतना अच्छा चल रहा है कि तो हवा से। आपका ये पहला ट्रिप है सारंगपुर के लिए? सारंगपुर के लिए मेरा पहला ट्रिप है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ठीक है, अपन लोग निकले थे तो बोरीवली से 7:50 को निकले थे, अभी करीबन 3 बजने को आया है,
और आगे खाने को अच्छा मिल पाएगा, एक नंबर खाना है ना भाई। अरे आपको के मंदिर में तो खाना मिल जाएगा, एक नंबर वहाँ पे आपको कड़ी और पूड़ी मिलती है, बस बस वही चाहिए। ये कौन से स्टेशन पे आ गए विवेक? या अगर तुझे कुछ खाना है तो तुझे स्टोर लाके खुद बना के खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है। कौन सा स्टेशन है विवेक, तेरे को बताता रहूँ मैं। कुछ नहीं है भाई खाने को, देख ले ठीक है, प्रूफ बता रहा हूँ। पहुँच गया एक स्टॉल पे। ये आधी रात को कौन से स्टेशन पे लाके रोक दिया है, एकदम हॉरर स्टेशन लग रहा है। यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ खाने जाऊँगा ना दुकान है ना दुकान, ना आदमी ना आदमी की जात, कुछ भी नहीं। ये लोग वहाँ तक ही आके क्यों रुक जा रहे हैं? ये जो इतना एरिया है क्या भूतिया एरिया है? सुबह के 6:30 बज गए हैं, हम पहुँच गए हैं बोताड़ रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम लेंगे रिक्शा, रिक्शा के लिए हम लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं। ये है बोताड़ रेलवे स्टेशन। सब थके हुए हैं, थक के चूर हो गए हैं, कैसा भी करके जाना है हमको खाली। रिक्शा वाला कहाँ मिलेगा अभी पता लगाते हैं। ये बेसिक आइटम क्या होता है? के फॉर कच्चा, बी फॉर बनियान। ए बैग नहीं खोलूंगा, अब मैं अंदर आऊंगा। अरे तो मैं आपको क्या पूछा, अभी बैग दो क्या आपको, तो आपने बोला हां दे। भाई ये दो आदमी से बात कर रहा है, निकाल के दे दूं उनके पास। कैसे निकालेगा टॉवेल? टॉवेल मेरे पास है, तोड़ के चाहिए। हां अरे भाई निकाल के दे दो। क्या दूं इसमें से? इनस चाहिए। चलो देखते हैं आज इनके बैग का रहस्य। मैं इसका तुलसी डालो, फिर साथ में उसकी मिक्सचर आता है वो डालो, फिर भी बोल रहे हैं उनको भी कृपया निकालो। हां भाई बोलो, ये भाई बाहर निकालो। किसको पागल, मेरा समझ रहे हो, समझ रहे हो? की बात करें तो ये हनुमान जी का मंदिर सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। ये स्वामीनारायण समाज में सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है। वो सद्गुरु गोपाल नंदन स्वामी द्वारा अश्विनी विधि में यहाँ पे स्थापित की गई थी, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 905 है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की जो छवि है वो इतनी शक्तिशाली है कि बुरी से बुरी आत्माएं से प्रभावित जो लोग हैं देखने मात्र से ही उनके ऊपर से जो बुरी आत्मा है वो दूर हो जाती है। सारंगपुर आने का रास्ता बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये भावनगर से 82 किलोमीटर दूर है। अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हो तो डायरेक्ट ट्रेन आती है बोताड़ के लिए, ठीक है। और अगर आप भावनगर से आ रहे हो तो वहाँ से कार बस रिक्शा सब मिलता है। मंदिर का कार्य कैसे चलता है तो अगर अपन एक अनुमान लगा लेते हैं तो अनुमान है कि यहाँ पे हर साल 30 लाख से ज़्यादा भक्तगण यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें से सुबह हल्का नाश्ता मिलता है और दोपहर में आपको रोटी दाल चावल ये सब मिल जाएगा और मीठे के साथ मिलेगा। शाम को आपको सब्जी रोटी खिचड़ी कढ़ी ऐसा कुछ प्रसाद मिल जाएगा। हर साल यहाँ पे कम से कम 60,000 से ज़्यादा घी की खपत होती है, 60,000 किलो से ज़्यादा घी की खपत होती है, 1,00,000 किलो से ज़्यादा गेहूँ की खपत होती है, 25,000 किलो से ज़्यादा गुड़ की खपत होती है और 1,00,000 किलो से ज़्यादा चावल की खपत होती है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो सुबह 4 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक काम करते हैं, और अलग अलग विभाग में 80 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। पिछले 100 साल से यहाँ पे कोई भी आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई, कोई टकराव नहीं हुआ, या फिर कोई भी अनहोनी यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन मंदिर में आरती की बात करें तो अगर आप सुबह मॉर्निंग जल्दी आ रहे हो तो ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप लेट आओगे तो आप बहुत सारी आरती मिस कर लोगे। क्योंकि सुबह जो दर्शन का टाइमिंग है वो मंगल आरती है सुबह 5:30 बजे की, फिर बाल भोग के लिए ये दर्शन क्लोज हो जाता है जो कि 6:30 से 7:30 के बीच में होता है, फिर श्रृंगार आरती होती है जो है 7 बजे की, उसके बाद फिर वापस दर्शन के लिए वापस बंद कर देते हैं जो होता है 10:30 से 11 बजे के बीच, तब होता है राजभोग। उसके बाद फिर दोपहर में दर्शन वापस क्लोज करते हैं 12:00 से 3:15 बजे तक। उसके बाद फिर दर्शन का टाइमिंग शाम को होता है जो कि आरती होती है, संध्या आरती होती है, जो संध्या होने पर संध्या आरती होती है, सूरज के जैसे सूरज डूबेगा वैसे ही आरती होगी। उसके बाद होता है फिर वापस दर्शन क्लोज हो जाता है 30 मिनट्स के लिए आफ्टर आरती। उसके बाद फिर सयान आरती होती है, उसके बाद फिर 9 बजे के बाद दर्शन क्लोज हो जाता है 9:00 से 5:30 बजे तक। इस टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, त्यौहार और कोई स्पेशल डेज या कोई स्पेशल इवेंट हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे होता ही है। तकरीबन 45 से 50 मिनट हो रहा है, मेरा भाई थक हार के चूर हार के बिना पानी बिना खाने के
बिना पानी और खाना के यहाँ पर टूट के बैठ चुका है। अब पता नहीं कब ये अपना प्रस्थान करेगा यहाँ से। भगवान से यही दुआ करता है कि इनकी तस्वीरें जो हो रही है जल्द से जल्द खत्म हो और ये यहाँ से प्रस्थान कर सके। धन्यवाद। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ट्रिप तो गई मेरी, खाना बहुत बेहतरीन है, सब खुशी से खा रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। अभी जो आप पीछे का जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा मंदिर का एरिया है और ये स्वामीनारायण जी मंदिर जो है उनका पूरा एरिया है और यहाँ पे इसके अंदर आश्रम है, इसके अंदर बहुत सारे मंदिर है और बहुत ही एकांत और शांति भरी जगह है। यहाँ पे एक टाइम पे अगर लाखों की भीड़ भी आ जाए दर्शन के लिए तो भी वो यहाँ पे रह सकती है। बहुत बड़ा मंदिर है ये, अगर आप ये पूरा एरिया एक बार घूमने जाओगे तो आपको कम से कम ये पूरा मंदिर घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे सिर्फ घूमने के लिए। यहाँ पे अंदर म्यूज़ियम है, फिर भोजनालय है, फिर प्रसाद घर है, फिर अगर आप प्रसाद लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग से काउंटर है, अलग से उनकी सुविधा है वहाँ पे आप उपलब्ध है, चरण अमृत है, बहुत कुछ है यहाँ पे। जिसे आप ट्रैक्टर पे देख रहे हैं दरअसल वो एक साइबर कैफ़े चलाने वाला व्यक्ति था। कुछ साल उसने पढ़ाई करने के बाद वकालत की और वकील बना। अब पता नहीं वकालत की डिग्री को इसने बाजू में रख के यूट्यूब के कैटेगरी के अंदर जम किया है और अचानक अपनी डिग्री पे कड़ी मार दी है। क्या मारी है? कड़ी समझ में आया, खाने वाली कड़ी नहीं। अरे यार ये किसान तो उतना। तो दोस्तों आज हम आपको एक पार्क में लेके आता हूँ, यहाँ पे ये पार्क बहुत ही फेमस पार्क है। ये तरफ आप देख सकते हैं शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, ये बोताड़ से थोड़ा सा आगे ठीक है कुंडल करके जगह है जहाँ पे ये है स्वामीनारायण जी का मंदिर है उसमें ये पार्क है और इसकी ये तरफ स्वामीनारायण जी का भी मूर्ति है। ओ सीप देखो, सीप देखिए, सांप, मैं बोल रहा हूँ सांप है यहाँ पे, आप नहीं मान देते। दिस पीपल पुअर हंग्री पीपल, तो आप क्या बोलते हैं इसे? हम आवाज़ नहीं करना, आवाज़ कम रखना। मैं आपको शहर नहीं शेर बताता हूँ, देखो कैसे घात लगा के बैठा है वहाँ पे। शायद मेरे हिसाब से जो आगे स्वैन है उसको खाने की कोशिश करने वाला है। यहाँ पे भी 2 स्वैन हैं और इसी सब के बीच क्या ये हमें 2 नर देख रहे हैं, एक नर और एक मादा उनको देख रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ये शायद हमसे छुप के डर के मारे बैठा है। नहीं आप बेवकूफ़ है, वो आर्टिफिशियल है भाई। रिकॉर्ड आवाज़ नहीं करना, अभी हम आपको लेके चलेंगे चुपचाप गजराज के पास। गजराज समझते ना आप, ठीक है, एक जिंदा हाथी, इसके बहुत बड़े बड़े सूंड हैं और 2 दांत होते हैं और उसका एक एक पैर अगर आपके वो लग जाए या आप पे वो रख दे तो खत्म। इंश्योरेंस होगा तो? इंश्योरेंस काम नहीं आएगा क्योंकि आपने अपने गए। पीप 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 आइए स्टार्ट। आवाज़ नहीं करना, वो रहा वो देखिए कैसे लेडीज उस हाथी के सूंड के नीचे थे पर वो जरा नहीं हिल रहा है। कहीं दब तो नहीं गई है? मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा, आप ध्यान रखना। ए तो नकली है। ये तो नकली है। ओए अब मैं आपको जिंदा मोर दिखाने ले जा रहा हूँ। इस बार सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। आपको गैलरी भी दिखाऊंगा मैं, आइए। गैलरी? कौन सा बिल्डिंग खरीदा है आपने? अरे 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 ये विशाल को देख के भाग गई। हम आ गए सी टॉप पे। मेरे साथ विवेक का वजन मुझसे ज्यादा है इसलिए उसने मुझे इस बुलंदियों पे बचा दिया। अब उसने अपनी चालाकी से मुझे बुलंदियों से उतार के वापस ज़मीन पे लेके आ गया पर मैं उसे ज़्यादा देर तक नीचे ऊपर रहने दूंगा नहीं और मैं उसे नीचे लेके आ जाऊँगा और मैं नीचे अब मैं आ, 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 आ,
अलग ही आनंद मिल रहा है बच्चों के साथ खेल के। ये भी थोड़ा नीचे आ दो, जाने दो मेरे को लग जाएगी आग नीचे। अब मैं बैठा था थक लो। इनके बीच हमें भी खेल के बड़ा ही आनंद मिल रहा है। अभी अभी ये दो बच्चों का एडमिशन हो चुका है इस प्ले ग्रुप में। ये दोनों आ रहे हैं, एक के हाथ में बैग तो ये ऐसा पकड़ा है जैसे कि सलमान खान की कोई पिक्चर की शूट चल रही है। अभी इसमें से बंदूक क्या हो चुके हैं, पूरे थक चुके हैं। अगर आप थक चुके हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आप आए हैं अपने बचपन की नगरी में। जो लोग मना कर रहे थे वो भी आके अपनी सीट पकड़ रहे हैं। दीपाली अरे बैठो, क्या घबरा रहे हो? इमेज कॉन्शियस विशाल से हाय। हाय विवेक, क्या विवेक इंग्लिश में विवेक बोलते हैं, हिंदी में बात करो। हाय दर्शकों, हेलो दर्शकों, नमस्ते। अब चेक करते हैं दोनों मियां बीवी में से वजन ज्यादा किसका है। ऐसी बातें हैं ना, निकल नहीं जा पा रही हूं मैं। विजय एक्चुअली पैर पैर छूना ही नहीं था। आप बोले तो था विवेक से आप बोले मेरा विजय के लिए जाओ। एक बार आदमी ऊपर चल रहा था नीचे। बैलेंस का खेल है। बैलेंस बैलेंस चलो। अरे बैलेंस बैलेंस क्या लगाओ वजन अपना। अरे अपने वजन तो लगाओ, तुम तो बैठी हो। अभी कुछ देर पहले ये हमको बोल रहा था कि हम 34 के हैं गए और बच्चों इसे हरकतें कर रहे हैं। पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, हम 34 के हो या 45 के हो या 55 के हो, बचपन नहीं जाना चाहिए। ये रिटायर हो चुके हैं, करना बहुत जरूरी है। ये उनका पति जवाब देना जरूरी है। वाइफ परेशान है और इसके साथ साथ हिंदी में भी एक बार आपके हिंदी बच्चों के लिए तौरी बीवी वटे देख रही है, मारेगी थाने। यानी आती है और जीने दो भाई। ये तो जियो का ट्यून है, बचपन में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं चढ़ने वाला हूँ उलक काटते। चलो अभी कुछ समय पहले ही मैंने इन्हें बोला था कि यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे तुम्हारा फोटो सेशन कर लेते हैं, पर कुछ लोगों माने नहीं, बोले हम थक गए। पर अब इनको क्या मालूम क्या हुआ है, क्या पता नहीं। और ये कैसा पोज दे रहे हैं, बैल के ऊपर बैल, अच्छा लगता है क्या? हाँ, बैल के ऊपर बैल का जो पोज है ये बहुत ही दुख नहीं है। बैल भी सोच रहा होगा कि मेरे ऊपर किस बैल को बिठा दिया है। किन किन कठिनाइयों का प्रॉब्लम लेना पड़ेगा हमें, हमारी ट्रेन से हम कैसे सफ़र करते हैं और उसमें हमको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो